और चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति का किया खुलासा, कहा अभी नहीं बना रहा पार्टी, जरूरत होगी तो अगस्त तक करूंगा ऐलान, प्यार के लिए नई सोच जरूरी। जातिगत जनगणना पर बिहार में फिर गरमाई राजनीति, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी। बिहार को आज मिली 29 आईटीआई की सौगात, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन और शिलान्यास, कुल 2 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा। खेसारी लाल यादव ने ट्वीट के जरिए बिहार पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल, लिखा मुझे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। रांची के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, आज संगठन के सशक्तिकरण पर हो रही समीक्षा बैठक, माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन का दिया साथ। झारखंड की शराब नीति पर बीजेपी ने उठाया सवाल, कांग्रेस और जेएमएम ने किया पलटवार, कहा पहले की शराब नीति की जांच हो तो पूर्व सीएम जाएंगे जेल। दुमका में जब्त किए गए विस्फोटक को किया गया नष्ट, ब्राह्मणी नदी और दरका नदी के किनारे हुई कार्रवाई, 20,000 पीस डेटोनेटर और 10-12 अमोनियम नाइट्रेट किया गया बरामद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा बिजली पर सब्सिडी वैकल्पिक, जल्द सरकार करेगी सर्वे, कहा जो फ्री मांगेगा उन्हें ही मुफ्त मिलेगी। बक्सर में गंगा नदी में एक साथ 4 शव मिले, प्रशासन ने दिए जांच का आदेश, एसडीएम ने दिया शवों के निष्पादन का आदेश। मधुबनी में अपराधियों ने की किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, दुकान बंद कर घर लौटते समय अपराधियों ने मारी गोली, जयनगर थाने के रेलवे गुमती के पास की घटना। जहानाबाद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत आए सामने, स्कूली छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए अश्लील हरकत करने के आरोप, आक्रोशित परिजनों ने विद्यालय में किया हंगामा। गोपालगंज में नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। नागराजू की हत्या के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप, कहा उसके भाई ने ही की उसके पति की हत्या। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, बीच बचाव करने आए जेल कर्मी को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के सदर इलाके में युवक युवती की हत्या से हड़कंप, हत्या के बाद हत्यारा खुद पहुंचा थाने। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 4 आतंकियों को पकड़ा, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। करनाल में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से ड्रोन से भेजे गए थे हथियार, तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे हथियार। बब्बर खालसा से जुड़े हैं 4 आतंकी, 3 आतंकी फिरोजपुर के रहने वाले, 1 लुधियाना का रहने वाला। करनाल में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने भेजे थे हथियार। ऐप के जरिए एक दूसरे को शेयर कर रहे थे लोकेशन, इनोवा कार से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा पंजाब से मिली खबरों के आधार पर हमने पकड़ी गाड़ी, जांच के बाद मकसद का चलेगा पता। खगड़िया में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने शख्स को रौंदा, मौके पर हुई मौत, हादसे से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, गोगरी थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना। गोपालगंज में नवनिर्मित बाईपास पर आए दिन हो रहे हादसे, ब्रेकर नहीं होने के कारण हो रहे हादसे। धनबाद में गैस से भरे कुएं में गिरने से युवक की मौत, बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर छात्र की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद भेजा शव, मृतक के परिवार में मचा कोहराम, तेघरा थाना क्षेत्र का मामला। सुपौल जिले के करजाइन थाना इलाके के बाजार में एक दवा दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। खगड़िया जिले में नलजल योजना से बनी जल मीनार में लगी आग, जल मीनार में लगे बिजली के उपकरण जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से हुआ था हादसा। बांका में पिकअप वैन में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, मामला धौरैया थाना क्षेत्र के धोबिया गांव के पास का है। मुजफ्फरपुर दरभंगा पोरलेन के गायघाट थाना क्षेत्र में एक कार में लगी अचानक आग, धू धू कर जली कार, कार सवार लोगों ने किसी तरीके से बचाई जान। पीलीभीत में आग से भारी नुकसान, 400 ट्रॉली भूसा जलकर खाक, किसानों का आरोप, सूचना पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, बांध में डूबने से 4 बच्चों की मौत, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख, परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान।
बेगूसराय में नशे में धुत 6 बदमाशों ने की ट्रैक्टर चालक की पिटाई। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में चालक को अस्पताल में किया भर्ती, हालत चिंताजनक। सुपौल सदर थाना इलाके के परसरमा चौक के पास दुकानदार और बीपीएम जवान के बीच सामान के दाम को लेकर नोकझोंक। दुकानदार ने जवान को बेरहमी से पीटा, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्ष से मारपीट के दौरान चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग हुए छोटे। दिल्ली के वेलकम में दो गुटों में झगड़े के मामले में अब तक 3 गिरफ्तार, 4 लोगों पर दंगे की धाराओं में FIR, 37 लोग हिरासत में। बांका से 100 किलो विस्फोटक पदार्थ पुलिस ने किया बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बांका में उत्पाद और ALTF की संयुक्त छापेमार कार्रवाई, कुल 4 लोग गिरफ्तार, करीब 400 किलोग्राम जावा महुआ को किया गया बरामद। भागलपुर के भैरोपुर नशा मुक्ति के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें गांव के कई युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने लिया हिस्सा। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक दूध के टैंकर को पकड़ा, पुलिस ने दूध के टैंकर से अवैध शराब के 126 कार्टन बरामद किए। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई, 71 किलो गांजा किया बरामद, 3 ड्रग्स पेडलरों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मां ने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी, पारिवारिक कलह बताई जारी वजह। आरा में बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोग गिरफ्तार, दोनों के पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। धनबाद के लॉटरी के गोरख धंधे का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने लाखों रुपए की प्रतिबंधित लॉटरी को जब्त किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी बाइक पर किया हाथ साफ, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश दीपक उर्फ दाऊद, कई मामलों में पुलिस कर रही थी तलाश। गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितता पाए जाने पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी के निलंबन की केंद्र को भेजी गई संस्तुति। यूपी के बांदा में अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, केन नहर की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया। मुजफ्फरनगर में अपराधियों में दिखा योगी सरकार का खौफ, गले में तख्ती डाल कान पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे अपराधी। जम्मू के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग, आतंकी घुसपैठ की साजिश, अमरनाथ यात्रा को बना सकते थे निशाना। हैदराबाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, 4 महीने पहले दूसरे समुदाय की लड़की से की थी शादी, हॉरर किलिंग की आशंका। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 लोगों पर हमले के बाद तनाव, इंटरनेट बंद, पुलिस का फ्लैग मार्च, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। दिल्ली में 2 गुटों में झगड़े के मामले में अब तक 3 गिरफ्तार, 4 लोगों पर दंगे की धाराओं में केस दर्ज, 37 लोग हिरासत। 3 दिनों की यूरोप यात्रा खत्म कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। वीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह ने BSF जवानों के साथ खाया खाना, 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं अमित शाह। 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बोट एम्बुलेंस का किया उद्घाटन, हरी झंडी दिखा के किया रवाना। गृहमंत्री अमित शाह ने वीरभूम में मैत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन, कहा देश की सुरक्षा मेरा BSF जवान ही कर सकता है। 2 दिन की दौरे पर तेलंगाना और केरल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन, 43.27 करोड़ की लागत से बने भागीरथी पर्यटक आवासगिरी का लोकार्पण। अलवर में राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन हुंकार रैली, बीजेपी नेता बालकनाथ ने कहा कि टोपी वाला तिलक वाला की भावना से काम करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बढ़ाया। राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी फायदा उठा रही है, साथ ही कहा कि बीजेपी का दंगा भड़काने का प्लान था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अशोक गहलोत पर तंज, सीएम योगी से सीखने की दी नसीहत, कहा योगी जी ने अपराधियों को डराया, गहलोत आम जनता के मन में डर पैदा कर रहे हैं। जोधपुर के संवेदनशील इलाकों में लोगों ने शांति सौहार्द के लिए मीटिंग की, मीटिंग में भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इस पर विचार विमर्श किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हालत गंभीर, जेल के अंदर अस्पताल में किया गया शिफ्ट।
हिंदी जानने वाले युवाओं की भर्ती कर रही चीनी सेना। सूत्रों के मुताबिक भारत से जुड़ी इंटेलिजेंस जुटाने के लिए चीन रच रहा है साजिश। कल से 14 मई तक गृह रक्षकों की बेटा में होगी शारीरिक दक्षता की परीक्षा। डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जहानाबाद शहर की सीमा पर बनाए गए एंट्री पॉइंट के एसपी ने किया निरीक्षण। अधिकारी की सैकड़ों वाहनों की चेकिंग, वाहन चालकों में मचा हड़कंप। लातेहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जिला प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में जुट गया है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 14 मई को प्रथम चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। मुंबई के कई इलाकों में बिना लाउडस्पीकर के हुई अजान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा है पालन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। स्पीकर के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर सांसदों को भेजे जा रहे थे मैसेजेस। ग्वालियर में 7 मई को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक। 2023 चुनाव को लेकर बनेगी कांग्रेस की रणनीति। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर कांग्रेस बनाएगी रणनीति। हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बिगड़े बोल, कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं, अब बदलेगा नारा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। देवबंद से गिरफ्तार तलहा तालुकदार बिन फारूक ने एटीएस से पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा। बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़ा था तलहा, जासूसी का कर रहा था काम। छपरा में अचानक मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को मिली राहत, किसानों को फसलों का बड़ा नुकसान होने की संभावना। सिवान में अचानक मौसम ने ली करवट, बारिश ने लोगों को दी गर्मी से निजात। समस्तीपुर में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। सहरसा में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। खगड़िया में तेज आंधी और बारिश की वजह से बदला मौसम का मिजाज, समाहरणालय रोड पर विशाल भीड़ गिरा, शहर की बिजली व्यवस्था ठप, आवागमन बाधित। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश के चलते गर्मी से मिली राहत, दिन में रात जैसा रहा नजारा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 71वां दिन। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में 310 यूक्रेनी सैनिकों की हुई मौत। यूक्रेन में एक ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, अलगाववादियों के मुताबिक यूक्रेन के एक मिसाइल हमले से डिपो में लगी आग। खार्किव के एम्यूजमेंट पार्क में रूस ने अपने रॉकेट से किया हमला, हमले का वीडियो आया सामने। रूस का जापान के खिलाफ उठाया गया बड़ा कदम, जवाबी कार्रवाई करते हुए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के रूस में एंट्री पर लगाई रोक। रूस के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, एक केमिकल टैंक में लगी आग, आग की वजह से अब तक साफ। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल। रूसी सेना के कई विमान रिहर्सल में हो रहे शामिल, सेना के लड़ाकू विमानों ने परफॉर्मेंस जेड में भरी उड़ान। 9 मई को युद्ध खत्म करने की अटकलों को रूस ने किया खारिज, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना अब भी तैनात। अमेरिका के ओक्लाहोमा में मौसम का कहर, भयंकर आंधी तूफान से इलाके को पहुंच रहा भारी नुकसान, कई इलाकों में बिजली कटी। आर्थिक मंदी के बीच श्रीलंका में चाय मजदूरों का बुरा हाल, लोगों को नहीं मिल रहा एक वक्त का भी खाना। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की विक्ट्री डे की रिहर्सल, रूसी सेना ले रही है बढ़ चढ़कर हिस्सा, सेना के लड़ाकू विमानों ने जेट फॉर्मेशन में भरी उड़ान। स्पेन के वेलेंसिया शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात, बाढ़ के कारण कई लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। स्पेन में आई बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने, ड्रोन वीडियो में दिख रहा तबाही का मंजर, कई घर और सड़कें पानी में डूब। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग, आग को बुझाने के लिए प्लेन से ली जा रही है मदद, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स किए गए तैनात। मैक्सिको में एक ट्रक के अंदर फंसे 280 प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू। अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में एक नकली दीवार के पीछे प्रवासियों को किया गया था बंद।
इसराइल में मेमोरियल डे पर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश को किया संबोधित। 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने देश के लिए जान गंवा चुके सैनिकों को किया याद। इटली के दौरे पर हैं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। दौरे के बीच वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। शंघाई के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना की आफत, घरों में लोग कैद, मेट्रो बस सेवाएं ठप। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, पूर्वी तट के करीब एक लक्ष्य को बनाया निशान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से व्हाइट हाउस में की मुलाकात। 2020 टोक्यो समर गेम्स और 2022 बीजिंग विंटर गेम्स में शामिल थे खिलाड़ी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कल के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया, पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में बनाई जगह। सौ शेयर सौ खबर में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।